Hello everyone, I am the member of the study hub. Today we will start impact of revolt of 1857. तो इसमें क्या हुआ कि revolt of 1857 का जो था वो क्या impact पड़ा इंडिया पे, इंडिया में क्या न्यू चेंजेस जो थे वो आए. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन. The British monarch and her government were directly responsible for Indian and her subjects. Now, कि जो administration थी जो किसके under थी, East India Company के under थी, वो transfer हो गई किस में, British crown में, British crown में transfer हो गई, जिसको lead कौन कर रहा था, Queen Victoria जो है वो lead कर रहे थे. The first British monarch and her government were directly responsible for, और British monarch जो थे और गवर्नमेंट जो थी और उसकी गवर्नमेंट जो थी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थी इंडिया में जो भी हो रहा था उस टाइम पे. अब नेक्स्ट है सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी थी, एक फॉर्मेलिटी के लिए चेंजेस जो थे वो लाए गए थे. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. अब क्या आया 1858, पहले क्या हुआ है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में. इसमें क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया न्यू पोजीशन इन लंदन, मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, क्या हुआ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो चुना गया इंडिया के लिए. नेक्स्ट है एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 15 टू असिस्ट द सेक्रेटरी. एडवाइजरी काउंसिल जो है सेलेक्ट किया गया, असिस्ट किया गया एज ए सेक्रेटरी की तरह जो है वो उसने काम किया. 8 अपॉइंटेड बाई क्राउन, 7 EIC डायरेक्टर्स जो थे वो इलेक्ट किए. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, कि गवर्नर जनरल ऑफ जो था इंडिया इंडिया जो था वो कौन बना, वायसराय बना, और उस टाइम कौन था, लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल मतलब वायसराय जो था इंडिया का बना. द वायसराय इन इंडिया वॉज असिस्टेड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुज मेंबर्स वर to act as the head of various department as well as viceroy official advisor. कि मतलब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जो वायसराय को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने में हेल्प की गई, हेल्प की जाती थी, जिसके जो मेंबर्स थे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में के हेड एडवाइजर की तौर पर काम किया करते थे. नेक्स्ट है सर चार्ल्स वुड वॉज मेड द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया. अब जो चार्ल्स वुड थे उस टाइम फर्स्ट सेक्रेटरी बने इंडिया ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया. अब नेक्स्ट है द क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 में. अब इसमें क्या था, द क्वीन प्रोक्लेमेशन वॉज अनाउंस बाय लॉर्ड कैनिंग एट अलाहाबाद दरबार इन 1 नवंबर 1858. कि क्वीन प्रोक्लेमेशन जो था वो अनाउंस कर दिया गया किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा वो कर दिया, अनाउंस कर दिया गया कहाँ पे, अलाहाबाद दरबार में, कब, 1 नवंबर 1858 में. अब इसमें क्या चीज़ें जो थी वो आई, नो डिज़ायर फॉर एनी वन टेरिटोरियल एक्सपेंशन, की अब क्या होगा टेरिटोरियल एक्सपेंशन की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी. द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ नेटिव प्रिंसिपल शैल बी रिस्पेक्टिव, नो डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स. अब क्या होगा, द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ नेटिव प्रिंसेस शैल बी, अब क्या किया जाएंगे, राइट्स और डिग्निटी के जो हैं वो रिस्पेक्ट, मतलब राइट्स की रिस्पेक्ट करी जाएगी. नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स एंड सोसाइटी, अब क्या किया जाएगा कि रिलीजियस जो भी लोगों के रिलीजियस अफेयर्स होंगे या सोसाइटी में, ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे. इंडियंस एंड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन विल बी ट्रीटेड इक्वली, अब इंडियन और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो हैं और उनके क्राउन जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. जैसे इंडियन इंडियन के लिए रूल्स होंगे वैसे ही ब्रिटिशर्स के लिए भी होंगे. इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों को इक्वल लॉ जो है, इक्वल लॉ जो है मिलेगी, प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी. ऑल ऑफिसर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ओपन टू ऑल सब्जेक्ट्स, कि जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी ऑफिसेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारे रीओपन किए जाएंगे किनके लिए, इंडियंस, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए भी और इंडियंस के लिए भी. जनरल एमनिस्टी वॉज गिवन टू
All rebels of 1857 except those who directly killed British soldiers, officers. अब क्या किया जाएगा? जनरल एमनिस्टी दी जाएगी. क्या किया जाएगा? उन सबको 1857 रिवॉल्ट में जो भी प्रॉब्लम हुई वो उनको क्या किया जाएगा, उनको एमनिस्टी दे दी जाएगी. एक्सपेक्ट उनको जिन्होंने डायरेक्ट जो था ब्रिटिश सोल्जर्स को मारा था या उनके ऑफिसर्स को मारा था. जैसे दिस ऑल द फ्यूडल चीफ्स ऑफ अवध एंड बंगाल गॉट देयर पोजीशन बैक. अब जो फ्यूडल चीफ्स थे अवध के और बंगाल के, उनको उनकी पोजीशंस जो थी वो वापस दे दी गई. द क्वीन प्रोक्लेमेशन रिमेन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया फॉर मोर देन 60 ईयर्स. अब ये जो क्वीन प्रोक्लेमेशन जो है वो ब्रिटिश पॉलिसी किसके बेसिस पे रहेगा, ब्रिटिश पॉलिसी के बेसिस पे रहेगा इंडिया में कितने टाइम तक, 60 ईयर्स तक जो है वो रहेगा. चेंजेस इन द आर्मी. अब आर्मी में चेंजेस क्या क्या आए, क्या 1858 के गवर्नमेंट एक्ट में जो थे वो चेंजेस क्या क्या लाए जो हैं वो गए. यूरोपियन ट्रूप्स इंक्रीज फ्रॉम 45,000 टू 65,000. अब जो यूरोपियन सैनिक थे वो कितने, 45,000 थे इंडिया में, अब कितने कर दिए गए, 65,000 कर दिए गए. इंडियन ट्रूप्स रिड्यूस फ्रॉम 2,45,000 टू 1,40,000. अब इंडियन ट्रूप्स जो थे, इंडियन सैनिक जो थे वो कम कर दिए गए, जिनमें कितने थे, 2,45,000 थे, उनको कम करके कितना कर दिया गया, रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 1,40,000. अब रेशो ऑफ यूरोपियंस टू इंडियन टू बी मेंटेन वाज 1.1 रेशो इन बंगाल की 1:2. रेशो कितनी थी यूरोपियन इंडियन में, अब इंडिया में यूरोपियन कितने रहे 1:2 इन बंगाल और 1:3 जो थे वो बाकी जगहों में. इंडियन आर्टिलरी यूनिट्स डिसबैंड. अब इंडियन जो तो मतलब उनके हथियार वगैरह तोपे वगैरह थी जो बैन कर दी गई थी, अब क्या कर दिया गया, उनको डिसबैंड कर दिया गया. ऑल सीनियर पोस्ट रिजर्व्ड फॉर यूरोपियंस ओनली. अब क्या कर दी, जो सीनियर पोस्ट थी ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज, गवर्नर जनरल जो थे वो जो जॉब्स होंगी ऑफिसर लेवल की जो जॉब्स थी वो किसके लिए, सिर्फ यूरोपियंस के लिए ही रखी गई. अब अनसीन इम्पैक्ट, जो कि अनसीन इम्पैक्ट क्या पड़े, रेशियल बिटरनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई. द गल्फ बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड इंक्रीज. अब जो बीच में रूलर्स और रूल्ड के बीच में जो मतलब बीच में एक गल्फ बन गया वो जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप यू विल लाइक. इफ़ यू विल लाइक देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.